तानिया हेलीकॉप्टर में आ रहा है, कुछ गड़बड़ है, होशियार रहना। नवाब नहीं आया, दरगाह गया है। किस्मत। धंधे की बात कर लें। उससे पहले मुझे एक बात साफ कर लेने दो। क्या? मैंने तुझसे कहा था कि मेरे भाई को बीच में मत लाना, फिर भी तूने उसके लिए पकिया को सुपारी दी। हाँ, तूने भी तो मेरे भाई पर हाथ उठाया। तेरे मेरे भाई में बहुत फर्क है कानिया। मेरा भाई हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं, तेरा है। लड़े ला पैसा। कितनी अजीब बात है, मुझे अपनी प्लेटें खरीदनी पड़ रही हैं। इन पर अंकल का भी हक था। हक उसका होता है जिसका कब्जा होता है। अब ये मेरे कब्जे में है। किस्मत। धोखा करता है? मेरे बाबा नहीं, चारों तरफ पुलिस आ गई है। इस हरामजादे को बाद में देख लेंगे बाबा। चल बाबा। कहीं ये तेरी चाल तो नहीं? अगर ये मेरी चाल होती तो मैं आपके साथ क्यों आता? मरने के लिए? ठीक है, चल, बाबा चलो, बाबा चलो। अली तू भाग, चल भाग यहाँ से। आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। तेरी जिम्मेदारी मुझ पर है, तू भाग यहाँ से। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। चल बाबा, भाग तेरी भाग, 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 भाग। लेकिन बाबा, तू कब घर लौटेगा रे? मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं देर ना हो जाए। मैंने आपको पहले ही कहा था, इस हरामजादे को मत भेजो। वहां मेरा दोस्त फंस गया होगा और ये हिजड़ा ढूंढ रहा होगा पिस्तौल में गोली कहां डालते हैं, सुअर। अंकल, अंकल मेरा कोई कसूर नहीं है। बाबा ने खुद मुझसे कहा भाग जाने को। अंकल मैं सच बोल रहा हूँ, अंकल मेरी बात का यकीन कीजिए। अंकल को क्या बोलता है, अंकल को क्या बोलता है, मुझे बोल, बोलना मुझे। अबे हिजड़े, बाबा ने तेरे को भागने को बोला और तू भाग गया? हरामजादे है तो उसकी शराफत थी कि उसने तुझे भागने को दिया। घास खाता है क्या तू? भागा क्यों तू वहां से? तेरा फर्ज था कि तू वहीं रुकता। एक बाबा के लिए तुझ जैसे हजारों सनी कुर्बान है, याद रख। अंकल ये सब कानिया की साजिश है, साला खुद तो भाग गया, मुझे यहाँ पर फंसा गया। कानिया को ये डबल क्रॉस बहुत महंगा पड़ेगा। नवाब बेटे तुम फिक्र ना करो, मैंने आदमी भेज दिए हैं ये मालूम करने के लिए कि कानिया इस वक्त कहाँ होगा। अंकल मुझे पता है कानिया कहाँ होगा। नवाब किसी को साथ ले जा रहे हो? अब किसको साथ ले जाऊं? बाबा के बगैर तो ये नवाब वैसे ही आधा हो गया है, लेकिन ये आधा नवाब भी कानिया को बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। हाँ।
दिन से आप सोए नहीं, सो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। सो जाओ, सो जाओ। वो आएगा नहीं मेरे सपने में, मेरा छोटा भाई। डर लगता है नींद से मुझे, वो आएगा। वो मेरे सपने में आएगा, मेरे को बोलेगा नहीं। दादा नवाब अभी तक जिंदा है? ये दादा तो हिजड़ा है, है? गुलाम दादा हिजड़ा नहीं है। नवाब चाहिए, 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 चाहिए। अल्लाह के नाम पे, अल्लाह बेटे, अल्लाह नवाब भीख क्या देता है, भीख तो अब तू मांगेगा। Thank you.
दूसरी आंख था, तूने छीन लिया है उसे। मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू रोज मरेगा और गुलाम की मौत को याद करेगा। मैं तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तू हर काम के लिए बेकार हो जाएगा, जिएगा लेकिन रोज मरने की दुआ मांगेगा। मैं तुझे अपाहिज बना के इन भिखारियों की कतार में बिठा दूंगा। मेरे गुलाम को मारा है तूने, मैं तेरी टांगे काट दूंगा। ये नहीं हो सकता, हरगिज नहीं। ये सिर्फ हमारी हिफाजत के लिए अंकल, बाबा कहीं पुलिस के सामने अपनी जबान ना खोल दे, उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई गारंटी तो होनी चाहिए ना, और वो गारंटी है उसकी माँ। मैं बाबा को अच्छी तरह जानता हूँ, वो मर जाएगा लेकिन अपनी जबान नहीं खोलेगा। अंकल आप नहीं जानते, आजकल पुलिस के पास मारपीट के अलावा और भी तरीके हैं जिससे मजबूत से मजबूत मुजरिम भी टूट जाता है, और फिर हम उसकी मांगों को तकलीफ तो पहुंचा नहीं रहे, सिर्फ उसे गारंटी के तौर पर अपने पास रखेंगे। उधर बाबा जेल से रिहा होगा, इधर हम उसकी मां को छोड़ देंगे। तुम तो सिर्फ मेरे भतीजे हो सनी, लेकिन बाबा मुझे अपने बेटे से भी ज्यादा अजीज है। मैं ये सुलूक उसके साथ हरगिज नहीं कर सकता। फिर तो तेरा मरना ही ठीक है बुड्ढे। सनी चुप, बहुत सुन लिया मैंने तेरे को। बहुत कानिया के साथ सौदा करने के वक्त पुलिस को मैंने खबर की थी ताकि बाबा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जाए। नवाब के हाथों कानिया के भाई को मरवा कर उसकी ताकत को भी कम कर दिया। और फिर नवाब भी गया। आज मेरे सामने कोई नहीं है, मेरे सामने कोई नहीं है। आज से बादशाह मैं हूं। I am the king! Yeah!